नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब भगवान जो है वो बताते हैं इस शरीर के बारे में, किस तरह से शरीर जो है वह चेंज हो जाता है। 22 में बता रहे हैं कि वंशानि गृहाणि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय गृहणाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार मनुष्य जो है अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं तथा शरीराणि, उसी प्रकार आत्मा क्या करते हैं पुराने शरीर को छोड़ करके, पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर भौतिक शरीर धारण करता है। तो पिछले श्लोक में हम लोग देखा कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अब जो है शरीर के परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि जब ये वृद्ध हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इसको आत्मा क्या है इसको छोड़ करके दूसरा शरीर भौतिक शरीर धारण करता है। तो बता रहे हैं कि यह जो स्थानांतरण होता है, जो आत्मा का जो स्थानांतरण होता है, यह भगवान की कृपा से ही स्थानांतरण होता है। यह परमात्मा अणु परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। भगवान क्या करते हैं कि इस आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नवानि देहि नया शरीर उनको वो दे देते हैं। कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में आता है कि आत्मा और परमात्मा की उपमा दी जाती है, दो उपमा दी जाती है दो पक्षियों से। कह रहे हैं कि एक वृक्ष पर दो पक्षी जो है वो बैठे हुए हैं, एक जो है वह फल खाने में लगा हुआ है और दूसरा है वह साक्षी रूप में उसको देख रहा है। उसको फल से कोई आसक्ति नहीं है, उस खाने से उसको कोई आसक्ति नहीं है, वह केवल वह देख रहा है। वह आत्मा जो है वह क्या है, वो वृक्ष पर बैठकर उस फल को खाने में लगा हुआ है और जो दूसरा पक्षी है जो परमात्मा है वो उसके साक्षी रूप में उसको देखने में लगा रहा है कि मेरा मित्र ये क्या कर रहा है। ये दोनों पक्षी जो है वो समान गुण वाले हैं। इनमें से एक जो है भौतिक गुण, भौतिक वृक्षों के जो फल के खाने पे वो मोहित है और दूसरा जो है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो दूसरा जो पक्षी है वह क्या है, केवल साक्षी मात्र है जो भगवान श्री कृष्ण है। कह रहे हैं कि अर्जुन जो है ये फल का भोक्ता है और भगवान जो कृष्ण जो है वह क्या है, वो साक्षी है। मैंने एक सेवक है एक स्वामी है, भगवान स्वामी है और अर्जुन क्या है, सेवक है। आत्मा अणु आत्मा में विस्मृति होती है, आत्मा में क्या होता है कि वह भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है, भूलते वो नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जाएंगे तो फिर भी उनकी अनुभूति वो रहती है। कह रहे हैं कि जीव जो है आत्मा प्राकृतिक शरीर के रूपी वृक्ष पर आध्यात्मिक संघर्षनशील है, वह संघर्ष में हमेशा जो है वह आत्मा जो है वह लगी रहती है। और ये नहीं, दूसरा जो पक्षी है वो क्या है, गुरु के पास, गुरु के जब सानिध्य में जब जाता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको अनुभव होने लगते हैं। जब गुरु को जब स्वीकार करता है दूसरा पक्षी, जब गुरु को स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को के उपदेशों को ग्रहण करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से उनके शरण में जाते हैं, तेरी वह जो पक्षी है वह तुरंत क्या हो जाते हैं, शोक से विमुक्त हो जाते हैं। जितने सारे शोक होते हैं उनके अर्जुन में, अर्जुन के मन में,
अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध करने में जब जाते हैं तो पूरा शोक से मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण के शरण में जब चले जाते हैं तो उनको क्या होते हैं, शोक से विमुक्त हो जाते हैं। तो मुंडक उपनिषद में बताते हैं कि श्रवणे वृक्षे पुरुष निगमनो नियसया सोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त निशस्य मस्य महिमानमिति वीतशोकः। कह रहे यदि दोनों जो पक्षी हैं एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, किंतु फल खाने वाला जो पक्षी है वो क्या है, केवल फल को खाने में लगा हुआ है, वो भोक्ता रूप में उसका चिंता और विषाद में मग्न है, लेकिन जो दूसरा जो पक्षी है भगवान है वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे उन्मुख कराते हैं, भगवान की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब पक्षी जो भगवान के बारे में उनकी महिमा को जब जान लेता है तो क्या होता है, वह तुरंत ही शोक और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन जो है अपना मुख पहले शाश्वत कृष्ण की ओर फेरा, तब तो उसको भगवान ने भगवत गीता को उसको समझ में आ रहा है। जब भगवान की शरण अगर नहीं जाता अर्जुन तो उसको भगवत गीता समझ में नहीं आती। इस प्रकार जो है वह कृष्ण के से शरण करने करके भगवान की जो परम महिमा को जो समझ लेता है तो वह शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि अपने पितामह तथा गुरुओं को देहांतरण करने पर तुम शोक प्रकट मत करो, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। ये शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जैसे धर्म युद्ध में प्राणों की अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक जो पाप होते हैं पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अर्जुन को जो है सुख संयुक्त तथा सुख से सुख जो कर रहा था वह युक्ति संगत तर्क दे करके भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको शोक से मुक्त कर रहे हैं।